हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफिक। आप देख रहे हैं टेक्निकल तौफिक चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मार्ट स्कैन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन का आप अपने मोबाइल के अंदर प्रॉपरली सही से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपके क्या काम में आने वाली है ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट स्कैन एप्लीकेशन एक PDF राइटर एप्लीकेशन है दोस्तों। इस एप्लीकेशन के जरिए दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी चीज़ का इमेज का लेकर के, फोटो का लेकर के, यहाँ पर आप इजिली PDF कुछ इस तरीके से PDF यहाँ पर आप बना सकते हो, आर्टिकल बना सकते हो। तो कैसे बना सकते हो, क्या क्या फीचर्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मार्ट टेक्स्ट इन इमेज का ऑप्शन है दोस्तों। एडवांस OCR टेक्नोलॉजी मिल जाती है, डिलीट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इस एप्लीकेशन को बिल्कुल पूरा सही से यूज़ करने का तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह से एप्लीकेशन का होम पेज डायरेक्टली ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, अपलोड इमेज। तो यहाँ पर आप अपलोड इमेज कैसे करोगे, तो ये जो आपको जो कैमरे का बटन ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि गैलरी का आ जाता है, तो यहाँ पर आपको गैलरी वाले एल्बम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस दिखा देंगे। अब आपको क्या करना है, एक आपका कोई भी एक फोटो ले, जो कोई भी एक आर्टिकल ले लेना है जिस पे आपने कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं इसे कॉपी यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके क्रॉप यहाँ पर कर लेता हूँ और उसके बाद बता देता हूँ। देख सकते हो अब यहाँ पर आपने क्रॉप कर लिया। तो आपको क्या करना है, ये जो राइट का बटन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका जो आपका इमेज था, जो आपका टेक्स्ट था, वो इस तरह से यहाँ पर आपका PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको PDF के अंदर यहाँ पर आपके टेक्स्ट दिखाई देंगे। उसके बाद अगर आपको इनलार्ज करना है, यानी कि इसकी जो कैटेगरी है उसको यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल पूरा यहाँ पर माइनस करना है, या फिर आपको इसे थोड़ा और बड़ा करना है, फिर यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका आपके टेक्स्ट यहाँ पर आपके कन्वर्ट होते जाएंगे। यहाँ पर आप इसे पूरा फुल भी कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ऊपर की तरफ जो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको दो लैंग्वेज मिल जाती है, स्पेनिश और इंग्लिश। यहाँ पर अगर आपको इसे पूरा डन करना है, जो देख सकते हो राइट का बटन है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर आपका OCR यहाँ पर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने कोई अगर कोई इसी के अंदर से कुछ अगर सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ सर्चिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ इस तरह के यहाँ से आप कीवर्ड सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप इसे कॉपी भी कर सकते हो दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ पर आप किसी को सेंड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको बैक आना है, तो बैक का बटन है, डायरेक्टली आपको होम पेज पर लेकर के आ जाता है। कॉपी कर सकते हो, कॉपी ईजिली हो जाता है, बैक आकर के होम पेज पर ईजिली यहाँ पर एप्लीकेशन आपका लेकर के आ जाता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप स्मार्ट स्कैन एप्लीकेशन का यूज़ करके कोई भी इमेज को ईजिली PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कितना भी बड़ा टेक्स हो और कितना भी छोटा टेक्स हो, ईजिली यहाँ पर आप PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल हाई क्वालिटी PDF यहाँ पर आपको मिल जाती है। बिल्कुल पूरा सही से यूज करने का तरीका मैंने बता दिया। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।